नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज के हम देखेंगे वीरा V7 अशोका ट्रैवल्स की ये शानदार बस। इस गाड़ी की खास बात कर ली चीज़ की, तो इस गाड़ी की चीज़ है TF1812 जो अशोक लैंड की सबसे बढ़िया चीज़ है। और इस गाड़ी में 180 HP का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। इस गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग वीरा वाहन उद्योग लिमिटेड बैंगलोर से हुई है। और आप देख सकते हो गाड़ी का जो कलर है वो रेड एंड येलो ग्राफिक्स में काफ़ी शानदार लगती है। तो चलिए फिर दोस्तों, ऐसे इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट सेक्शन की बात कर ले तो आपको इस गाड़ी में फ्रंट सेक्शन में आपको ड्यूअल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के साथ इस गाड़ी में आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलता है। रेड और ब्लैक ग्राफिक्स में काफ़ी शानदार लगता है फ्रंट बम्पर, और फ्रंट बम्पर में काफ़ी इस गाड़ी को एग्रेसिव लुक दिया गया है। इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस गाड़ी में फॉग लैम्प मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नाइट रनिंग लैम्प NRL आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। उसी के साथ बात करें इस गाड़ी के फ्रंट फेंडर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट ग्रिल जो है वो काफ़ी एग्रेसिव बनाया गया है। यहाँ पर आप वीरा वाहन की बैचिंग देख सकते हैं। तो गाइस, अभी लेफ्ट हैंड सेक्शन की बात करते हैं लगेज एरिया की। तो इस साइड में आपको 3 लगेज एरिया आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लगेज कंपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इस साइड में अगर हम देखें तो इसका ये लगेज एरिया काफ़ी बड़ा है, लगेज एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आप आइए यहाँ पर मैं पूरा समा रहा हूँ, तो आप समझ सकते गाड़ी का लगेज एरिया काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा लगेज कंपार्टमेंट यहाँ पर लगा मुझे वीरा V7 में। और बिल्ड क्वालिटी जो गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है इसमें। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे रियर सेक्शन की। तो रियर प्रोफाइल जो है गाड़ी का वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। दोस्तों, रियर सेक्शन में आपको यहाँ पर LED लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये ब्रेक लैंप, इसका ऑक्सिलरी ब्रेक लैंप, यहाँ पर इंडिकेटर लैंप, और यहाँ पर आपका रिवर्स लैंप। इसमें आपको रिंग लाइट भी मिलता है और बीच में LED लाइट भी मिलता है जो गाड़ी को रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रियर फॉग लैंप्स भी आपको इस साइड में दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये इमरजेंसी एग्जिट जो आपातकालीन परिस्थिति में पैसेंजर को मदद करता है बाहर आने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो रियर सेक्शन में भी इसको यहाँ पर बूट दिया गया है जो आपके स्टोरेज कंपार्टमेंट और स्टोरेज एरिया को बढ़ा देता है। और अपर साइड में हम देखें तो अपर साइड में आपको NRL दिख जाएंगे, और काफ़ी अच्छी अशोका की यहाँ पर मैचिंग भी दी गई है। लाइसेंस प्लेट की बात कर लें, MH09EL4509 महाराष्ट्र कोल्हापुर की पासिंग है। यहाँ पर इसमें रियर साइड में आपको लाइसेंस प्लेट लैम्प भी मिल जाते हैं। गाड़ी के राइट साइड सेक्शन की बात करते हैं, तो राइट साइड सेक्शन में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा लुक मिल जाता है। गाड़ी के डिज़ाइन जो आप देख सकते हो, ऑरेंज, येलो, व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन में गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो गाड़ी काफ़ी शानदार बनाई गई। वीरा V7 जो मॉडल है वो काफ़ी पसंद किया जाता है ऑपरेटर्स की तरफ से। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज सेक्शन और यहाँ पर 3 ऐसे आपको कुल इस साइड में भी 4 सेक्शन मिल जाते हैं। पर इनमें एक खास बात बताऊँ तो सस्पेंशन की हम पहले बात करेंगे। यहाँ पर तो रियर एक्सल पर आपको एयर सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पर पीछे आपको 4 बेलोज दिए गए हैं, और फ्रंट साइड के सेक्शन में आपको लिफ्ट विंग सस्पेंशन मिलता है। दोस्तों, ड्राइवर साइड में आपको इस गाड़ी का डीजल टैंक मिलता है। इस गाड़ी में 400 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया अशोक लैंड कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी की जो मतलब ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी सुपीरियर लगी मुझे। दोस्तों, अभी हमने इस गाड़ी का एक्सटीरियर व्यू देखा, अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो चलिए इंटीरियर सेक्शन में बात करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर इस गाड़ी में डोर दिया गया है, और इस साइड में आप डोर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको न्यूमेटिक एक्चुएटेड यहाँ पर आपको डोर मिलता है। और इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पर आपको स्टेप भी मिल जाती है जो बुजुर्ग लोगों को चढ़ने के लिए मदद करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये डोर खुलता है तब ये स्टेप बाहर आती है, और जब क्लोज आता है तब ये अंदर चल जाती है। मतलब जिसके कारण दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है वीरा V7 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली जो गाड़ी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है। आइए अभी अंदर चलते हैं। इसके कैबिन व्यू की हम बात कर रहे थे, तो कैबिन भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए पहले आप इंटीरियर देख लेते हैं। तो ज़बरदस्त इंटीरियर इसमें अशोका में दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर इस गाड़ी में दिया गया है। दोस्तों, अभी हम इस गाड़ी के इंटीरियर में हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो इंटीरियर सेक्शन में काफ़ी शानदार काम किया गया है वीरा बॉडी बिल्डर्स की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर में मूड लाइटिंग आपको दी गई है, स्पॉट लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और बर्थ्स की बात कर ले तो बर्थ्स भी काफ़ी कन्वीनियंट और कम्फर्टेबल यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें बैक सपोर्ट
सपोर्ट भी दिया गया है और काफी कंफर्टेबल इंटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी स्लीपर एसी है, तो इसके कारण इस गाड़ी में आपको सील्ड ग्लास मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप सिंगल ट्रैवल करते हो तो आप इस बर्थ को प्रेफर कर सकते हैं। स्लीपर कोच के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। मोबाइल चार्जिंग की सॉकेट दिए गए हैं, मोबाइल होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लैंप्स मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप जिसे हम बोलते हैं। और येलो इंटीरियर में काफी खूबसूरत लगती गाड़ी, बाहर से रेड और अंदर से येलो, काफी बेहतरीन लगती गाड़ी। और जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो मतलब जो डिस्टेंस है, मतलब जो प्राइवेसी है, वो काफी अच्छे से मेंटेन हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर कर्टन्स भी दिए गए हैं, जो कर्टन्स से मतलब जो प्राइवेसी है वो अच्छी रहती है यहाँ पर। और इंटीरियर सेक्शन में देखें आप यहाँ पर तो विंडोज वगैरह भी काफी सही लगती है, और इतने हाइट से हम ट्रैवल करते तो वो भी काफी अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप सोलो अकेले ट्रैवल करते होगे तो आप इस सिंगल बर्थ को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आप आपकी फैमिली के साथ बर्थ को आप प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड में आपको एसी वेंट्स भी दिए गए। और वीरा की सबसे अच्छी बात लगती है मुझे डबल एसी वेंट, क्योंकि आपको दोनों साइड में फ्रंट में भी और रियर में भी आपको डबल एसी वेंट्स मिलते हैं, जो गाड़ी को मतलब अच्छा खासा कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और कस्टमर को भी मतलब कस्टमर चाहे तो इस साइड में मूव करके सो सकता है या उस साइड भी सिर करके सो सकता है। और यहाँ पर साइड गार्ड्स भी दिए गए, क्योंकि मतलब अगर हम सो गए और रात में अगर कहीं गाड़ी हिली तो हम नीचे नहीं गिर सकते, इससे यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, आप नीचे नहीं गिरोगे। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसमें आपको शू रैक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर भी मिलता है जो पूरे कंप्लीटली मेटेलिक है। और सेफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर एक सीट को इमरजेंसी हैमर भी दिया गया है, जो गाड़ी को आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षित बनाते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में आप इसका उपयोग करके गाड़ी का कांच तोड़ के आप बाहर आ सकते हैं। गाइस अभी बात करेंगे इसके बर्थ सेक्शन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अशोका की आपको यहाँ पर मैचिंग दिखती है और सीट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अपर बर्थ 12 अप और 11 अप, मतलब 11 और 12 अप साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो 12 लो 11 लो, यानी 11 नंबर सीट और 12 नंबर सीट लोअर बर्थ की। और यहाँ पर लोअर बर्थ की अगर हम बात करें तो लोअर बर्थ भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है और अच्छा लगता है, मतलब जितना रिस्पांस ऊपर है उतना ही रिस्पांस नीचे भी है, और काफी कंफर्ट और कन्वीनियंस की सबसे वीरा V7 इज द बेस्ट। सो गाइस अभी हम इमरजेंसी एग्जिट की बात करेंगे इसमें, तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इमरजेंसी एग्जिट इसका कुछ इस प्रकार दिखता है। सो गाइस इसका ये इमरजेंसी एग्जिट है जैसे कि इस प्रकार खुलता है, और यहाँ से ग्राउंड का एज जो होगी वो ऑलमोस्ट 5.5 फीट के आसपास होगी। अभी गाड़ी हाइट के लोकेशन पे खड़ी, इसलिए ज्यादा ऊपर लग रहा है। और यहाँ से आपातकालीन परिस्थिति में आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। और इमरजेंसी एग्जिट रियर साइड में दिया जाता है अभी स्लीपर कोच बसेस में, और वीरा V7 में भी आपको यहीं पर मिलता है। सो गाइस अभी हम बात करेंगे ड्राइवर सेक्शन एरिया की, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ड्राइवर डोर आपको यहाँ पर दिया गया, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर इसका एयर फिल्टर सेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि आपको चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको दो स्टेप्स दिए गए हैं। तो चलिए फिर ड्राइवर सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ से इसका ये ड्राइवर डोर खुलता है, और इस साइड में ग्रैब हैंडल, यहाँ पर पैर रख के हम इसके डायरेक्टली अंदर, जी हाँ, ड्राइवर सेक्शन में अभी हम बैठे हैं। काफी जो कैबिन का जो स्पेस है वो काफी अच्छा लगा, और कैबिन व्यू जो है वो काफी कमांडिंग पोजीशन आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टीयरिंग वगैरह भी काफी सही है अशोक लैंड की 1812 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर इसके कंट्रोलिंग स्विचेस है सारे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज, आपको यहाँ पर दो प्रेशर गेज दिए गए एयर के, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपका आरपीएम मीटर, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूल गेज है, और यहाँ पर इसका बैटरी वोल्ट इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड को आप यहाँ पर दो कपलिंग दिए गए ओपन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका पार्किंग लाइट का स्विच है, इस साइड में आपको हॉर्न्स और लाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इस साइड में आप जैसे कि देखें तो आपको यहाँ पर वाइपर से कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर रूट्स के हॉर्न का कंट्रोल स्विच है, और डाउन साइड में आपको फ्यूज़ बॉक्स आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ABS का स्विच है, बैटरी कट ऑफ स्विच है, यहाँ पर EDC का स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है। इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, 1 2 3 4 5 6 एज पैटर्न में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर रेड फिनिशिंग की गई है, काफ़ी खूबसूरत लगती गाड़ी। इंटीरियर व्यू जो है गाड़ी का वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है, और यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन बोर्ड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्विचेस है वो एक्सटर्नल NRL की स्विचेस है, और यहाँ पर रीडिंग लाइट इंटर लाइट की स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर्स के स्विचेस है, इंटीरियर में बहुत सारे जगहों पर स्पीकर है, कैबिन सेक्शन में स्पीकर है, इंटर सेक्शन में स्पीकर है, तो उसके कंट्रोल्स है, यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल्स है, और यहाँ पर आपका डोर का कंट्रोल है, यहाँ देख सकते हो टेम्परेचर अप डाउन करने के कंट्रोल्स, ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स, ऑटो मोड, और यहाँ पर इसके ब्लोर एडजस्टमेंट के स्विचेस आपको यहाँ पर दिए गए, हेजर हेल्पलाइन आपको यहाँ पर देख सकते हो। और कम्प्लीटली जो गाड़ी का इंटीरियर व्यू है काफ़ी शानदार लगता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको फास्टैग दिख जाएगा, अशोका की बैचिंग है, और अपर साइड में महालक्ष्मी गणपति जी और सरस्वती जी का यहाँ पर फोटो मूर्ति लगा हुआ है, और यहाँ पर इसमें फैन लगा हुआ है, यहाँ पर लाल बाग से राजा गणपति की यहाँ पर शानदार फोटो है, यहाँ पर CCTV कैमरा है, अपर साइड में भी लाइट्स आपको दिए गए हैं। और अपर साइड में जो वर्क है डोम लाइट में काफ़ी डोम सेक्शन में काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। अपर साइड में आपको यहाँ पर वीरा की तरफ से क्लॉक भी मिल जाती है,
यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिरर मिल जाता है, इंटर का सब कुछ इसमें दिखता है, इंटर में कुछ क्या चल रहा है ऐसा, और आपको क्लियर साइड में आपको यहाँ पर सीट दिया गया है। सो गाइस हमारे साथ है अभी राहुल जी जो इस गाड़ी को 6 साल से चला रहे, और चले उनसे कुछ बातचीत करते हैं अभी। तो राहुल जी अभी एक बताइए, इस गाड़ी का माइलेज वगैरह आपको कितना निकलता है? माइलेज निकलता है एसी में चार एसी में 4 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको इसमें माइलेज मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। अशोक लेन TF 1812 की हम बात कर रहे हैं, 1.8 HP का इसमें इंजन लगा हुआ है, 6 फीट 9 इंच ट्रांसमिशन की गाड़ी है। राहुल जी से हम बात करेंगे अभी पिकअप के बारे में, तो आपको पिकअप वगैरह कैसा लगता है सर इसका? पिकअप अच्छा है। ओके, तो पिकअप भी काफी अच्छा लगा इनका। और वीरा की बॉडी वगैरह का क्या ख्याल है आपका? वीरा में बॉडी कैसी लगती है? बॉडी बेस्ट है। ओके, और इन गाड़ी में मतलब सस्पेंशन भी काफी सही लगा, राहुल जी से हमने बात की पहले, तो घाट सेक्शन में वगैरह गाड़ी चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, पिकअप वगैरह काफी अच्छा है। केबिन साउंड जो है वो भी काफी कम है, और इंटीरियर सेक्शन में आप देख सकते हैं, इंटीरियर सेक्शन में भी केबिन का और इंजन का कुछ भी साउंड आता नहीं, बहुत ही अच्छे नॉइज वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल यहाँ पर मेंटेन किए। सो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू अशोका ट्रेवल्स इचल करण जी, उनकी वजह से हमें गाड़ी अवेलेबल हुई। यही पर रुकते हैं के साथ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।